देखिए, मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रवेश निःशुल्क है, सब लोग आएं। और यहां पर आकर, तीन सिनेमा हॉल लगे हुए हैं यहां पर, तीनों सिनेमा हॉल में तीनों दिन तक फिल्में दिखाई जाएंगी। आप लोग आइए, फिल्में देखिए और फिल्मों का आनंद लीजिए और फिल्मों से मोटिवेट होइए। और आधुनिक तकनीक की फिल्में अमेरिका से आई हैं, फ्रांस से आई हैं, इसराइल से फिल्में आई हैं, तो हम उन फिल्मों को दिखाकर आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। आप आइए ये और भाईचारे का, प्रेम का संदेश दीजिए। स्थानीय कलाकार यहाँ पर 100 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो रही है पूरे झारखंड में, और मेरे लिए गर्व की बात है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। सारे कलाकार फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और हमने सबको आमंत्रित किया है। ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का, राज्य का कार्यक्रम है और पूरे राज्य के विकास का कार्यक्रम है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर ऋषि मिश्रा जी को, जिनका मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत एफर्ट ही था जी। आज इतने बड़े पहले से दूसरे में जब हम लोग आए तो पूरा सरकार और सब लोगों ने इसको लगाया। देखिए, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म अपना भारत के जो नागरिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और अमूमन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो फिल्मों से प्यार नहीं करता हो, रेयरली एक दो लोग नहीं हो सकते हैं। और झारखंड में, झारखंड नहीं पूरे देश के अंदर, भारत में जीवन को गति देने के लिए, उनकी भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए, उनके विचारों को परिवर्तन के लिए फिल्म एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से आप सोशल भी और पॉलिटिकल भी मैसेजेस देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो जिंदगी के इतने करीब से जुड़ा हुआ है, और विशेषकर झारखंड में जब फिल्म की पॉलिसी बनी है, जब टूरिज्म के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सेक्टरों को मिलाने करके एक अच्छा अवसर पैदा होता है, जहाँ से ऐसे फिल्म फेस्टिवल से आपको एक्सपोजर मिलता है। सरकार का कितना सहायता?